कोरोना के दूसरी लहर की चपेट में आए कई परिवारों की मदद का बीड़ा रोटरी के प्यार बांटते चलो संस्था ने उठाया है। भंडारी डीह के समीप रोटरी क्लब भवन से यह मुहिम शुरू की गई है। रोटरी प्यार बांटते चलो अभियान ने सोशल मीडिया पर 3 मोबाइल नंबर जारी किया है, जिसमें कहा कि संक्रमित परिवार जारी नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर सूचना दे, उन्हें पौष्टिक भोजन होम डिलीवरी निःशुल्क दी जाएगी। संक्रमित मरीज व परिवार का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। प्यार बांटते चलो अभियान के लिए कुक का काम कर रहे राहुल सुबह से ही इस काम में जुट जाते हैं और लिस्ट व जरूरत के हिसाब से खाना बनाते हैं। राहुल ने बताया कि अभियान के सदस्यों के निर्देश पर वह इस कार्य में लगे हैं। वे संक्रमितों के लिए खाना बनाते हैं। वहीं इस अभियान के पदाधिकारी विजय सिंह बताते हैं कि कई ऐसे परिवार हैं जहां पूरा परिवार संक्रमित है या कोई अकेले है तो उसे परेशानी आ रही है। इसी परेशानी को देखते हुए नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से लोग मोबाइल पर सूचना दे रहे हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है, उनके खाने के इच्छा अनुसार उन्हें खाना बनाकर उनके घर पहुंचाया जा रहा है। बताया कि संक्रमितों को दोपहर व रात का खाना दिया जा रहा है। बताया कि हर दिन लगभग 75 पैकेट खाना संक्रमित लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। बता दें कि रोटरी के प्यार बांटते चलो द्वारा शहर के रोटरी हॉस्पिटल के पास सोमवार से शनिवार तक जरूरतमंदों को 5 रुपए में स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। रोटरी की इस मुहिम से ठेले, रिक्शा चालकों व जरूरतमंदों को काफी मदद मिलती है। रोटरी द्वारा यह मुहिम लगभग 3 साल से चलाया जा रहा है। अब कोरोना काल में एक बार फिर इस मुहिम से लोगों को राहत मिल रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्यार बांटते चलो 365 दिन हमारे यहाँ रोटरी के सौजन्य से चलता है, रोटरी प्यार बांटते चलो, जिसमें 100 के करीब लोग खाते हैं। तो जब ये कोविड ज़्यादा फैल गया तो एक जगह एकत्रित लोगों को नहीं करना था, तो इसलिए हम लोगों ने प्यार बांटते चलो रोक दिया था। इसी दरमियान अचानक एक मेरे मित्र का, जो परिवार से हैं, मैं हमारे मित्र हैं, उनका कॉल आया कि उनके घर में सारे कोई कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और उनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, बाहर से मेड सर्वेंट भी नहीं आ रहा है। तो इस दरमियान वो सोचे कि होटल का खाना हाइजीनिक होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि 6 आदमी का खाना भिजवाने के लिए। तभी मुझे ये लगा कि अगर ये संक्रमित हैं इसका परिवार, तो इस तरह से तो गिरिडीह में बहुत सारे परिवार होंगे जिसमें कुछ सक्षम भी हैं और कुछ असक्षम भी हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक के माध्यम से आह्वान किया था, और अभी जो है बहुत ऐसा परिवार है जो पूरा कोविड पॉजिटिव है, बहुत ऐसा परिवार है जिसके संक्रमण से कोई सदस्य की मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु के बाद भी हमारे हिंदू में बहुत दिनों तक खाना वाना नहीं बनता है, बिना हल्दी का खाना बनता है, इस तरह से होता है। तो उन लोगों को घर में भी हम लोग अभी आज के दिन में 75 घर में हम लोग खाना दोपहर का और रात का भिजवा रहे हैं। नाश्ते का जरूरत है तो नाश्ता भी भिजवा रहे हैं। मैंने नंबर शेयर कर लिया है सोशल मीडिया में और काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं, और गरीब लोग भी इसमें बहुत हैं, उनको फ्री में दे रहे हैं। और जो मान लीजिए सक्षम है, पहुंचाने की व्यवस्था है, उनके घर के बाहर बेल बजा करके बाहर खाना रख दिया जाता है। जो सक्षम है वो श्रद्धानुसार पेमेंट कर दे रहे हैं, और जो असक्षम है उनसे हम लोग निःशुल्क उनको दे रहे हैं, जितना लोगों का भोजन चाहिए और जब तक चाहिए। और ये सारा चीज़ रोटरी, हाँ, जैसे किसी का पेट खराब है तो गीला चावल भी दे रहे हैं, फल दूध का जरूरत है तो फल दूध भी दे रहे हैं, और ये सारा कुछ निःशुल्क हो रहा है। अगर कोई चाहता है तो वो इसमें दान दे सकता है, और वो दे रहा है तो उससे स्वेच्छा से हम लोग ले रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम रोटरी गिरिडीह, रोटरी प्यार बांटते चलो की तरफ से चल रहा है।